से आज हरियाणा प्रदेश की ये बुरी हालत है, इसके लिए इस मौजूदा सरकार की बजाय मैं उन विपक्ष के विधायकों को ज़्यादा दोषी करार दूंगा जिन्होंने अपने ईमान बेच दिए थे, आज वही इनके लिए परेशानी का बाइस भी बने हुए हैं। कानूनी विकल्प है, वैधानिक विकल्प है, उसको आप इस्तेमाल ना कर पाए और ये कहें कि ये खरीदो फरोख से सरकार चल रही है, ये कहां तक वाजिब है? एंटी डिफेक्शन बिल जो लाया गया उसमें पावर स्पीकर को दे दी, उन्होंने ये नहीं सोचा था यहाँ छतर सिंह जैसे या कुलदीप शर्मा जैसे इस प्रकार के भी स्पीकर आएंगे। क्या आपको लगता है कि हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले इस पर कोई फैसला आ पाएगा? मुझे कतई उम्मीद नहीं है, हम तो जीत के आए हैं, हम हारे हुए नहीं थे।